अभी मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट। आप बहुत हार्ड वर्कर हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मौसम भी बहुत ही सुहाना है, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के पूरे 10 बजे का टाइम है। पहाड़ों में थोड़ा सा बादल नजर आ रहा है। मक्की वगैरह खाने के लिए छोड़ दिए अपने अपने छतों पर। खेतों में मक्की बिल्कुल नजर नहीं आती है, सब लोगों ने काट कर कुंदू वगैरह लगा दिए हैं। यह है लवांग नॉर्थ विलेज, इसी रास्ते से मैंने आगे चले जाना है लाखों में। गांव में बहुत ही सुंदर घर होते हैं, क्या डेकोरेशन है। बहुत सफर करना है, लाखों में पहुंचना है। ये जंगली पेड़ जो है लोगों ने लगा के रखा है अपने जमीन में, ये जंगल में होता है ज्यादातर। आपको पहाड़ों में भी रास्ते पक्के मिलेंगे जहां पर दो दो तीन तीन घर हैं। खासकर पहाड़ों में सुबह शाम बहुत ज्यादा सर्दी होती है, टेम्परेचर डाउन हो चुका है। दिन में जो धूप निकलती है बहुत ही मजा लेते हैं लोग पहाड़ों में। पहाड़ों में आजकल सब्जियां जो होती हैं, कड़म की बहुत ही मशहूर सब्जी है, लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं खासकर सर्दियों में। ये मकान जो है मेरे मामूजाद भाई का है और मक्की भी उसकी है। रोड में अभी मैं पहुंचने वाला हूँ। फाइनली मैं रोड में पहुंच चुका हूं। ये मस्जिद जो है बहुत ही खूबसूरत, रोड के बिल्कुल एक साइड में है, जामा मस्जिद है, लवांग नॉर्थ विलेज की मस्जिद है ये। जब से रोड पहुंचा हमारे खासकर पहाड़ों में जो हमारे गांव हैं, तो काफ़ी तब्दीली हो चुकी है। अब गांव के बिल्कुल साथ साथ में आपको मिलेंगे पक्के मकान। मेरे कज़न हैं, हवा भर रहे हैं अभी टायर में। रोड की एक तरफ यहाँ पर पाइपें रखी गई हैं, जहाँ भी देखो आजकल पाइपें लग रही हैं, गांव-गांव में, घर घर में। गवर्नमेंट ने बेहतरीन एक काम शुरू कर दिया है, जल मिशन, घर घर में पानी। यह है चुंचली विलेज, एक तरफ बहुत बड़ी चट्टान है और इस चट्टान पर कितने खूबसूरत मकान बना के रखे हैं और सामने बड़ा सा पहाड़। अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ, यह है चुंचली के खूबसूरत घर और ये रास्ते भी नज़र आ रहे हैं। ये है पूरे घर यहाँ पर, साथ में मंदिर भी है ऊपर। दुकान के छत पर मक्की सुखाने के लिए डाल दिए हैं और साथ में है सिवल। पहले हमारे पहाड़ों में राजमा बहुत ज़बरदस्त होती थी, अब 10 साल हो गए राजमा का नामो निशान है। इसे फिश पॉइंट के बिल्कुल बैक साइड में चुंचली मोड़। मैं ग्रिफ वालों को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने इतनी इतनी बड़ी चट्टाने काट कर रोड चौड़ा कर दिया और दो गाड़ियां आराम से चल सकती और नेशनल हाईवे बना रहे हैं। इस साल टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आया है, अगले साल उम्मीद है कि बहुत टूरिस्ट आएगा क्योंकि ब्लैक टॉप का काम भी शुरू हो चुका है। नदी के बिल्कुल साथ साथ में अभी मैं फिश पॉइंट भी दिखाने वाला हूं। ग्रिफ की जोरों शोर काम की वजह से कुछ पत्थर नीचे गिरने से ये सामने जो है फिश पॉन्ड, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, तो रिपेयर का काम भी चल रहा है इसमें। बिल्कुल साथ में रोड का काम भी चला हुआ, ग्रिफ की लेबर लगी हुई है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ग्रिफ के लेबर है यहाँ पर लगी हुई, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त। तो मुझे उम्मीद है कि 2-3 महीने के बाद रोड जो है रेडी हो जाएगा टूरिस्ट के लिए। छः महीने के बाद ये ओके हो जाएगा रोड और यहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्ट आएंगे। मेरे सब्सक्राइबर भी हैं तो मैंने सोचा क्यों ना हाय हेलो भी करेंगे। तो क्या हाल है, ठीक है?
ठीक है ना, ठीक है सर, ओके। बहुत आप काम करते हैं, आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, ठीक है ठीक है। पॉइंट के बिल्कुल साथ में पहुंच चुका हूं, यहां पर एक छोटी सी खूबसूरत नदी भी है, तो यहां पर इतना काम चला हुआ है कि बहुत ही जबरदस्त काम चल रहा है यहां पर, तो चारों तरफ शोर ही शोर है। ये पुल बन रहा है यहां पर, ये है पुल, ये बनेगा नेशनल हाईवे पुल सर्थल के लिए, भद्रवाह के लिए, बसोली टू भद्रवाह। इन्हें मेहनत से ये काम कर रहे हैं। पुल क्रॉस कर रहा हूं, इस पुल को डिसमेंटल कर देंगे और इसके बिल्कुल फ्रंट में जो पुल है बन रहा नेशनल हाईवे यही रहेगा। सामने नदी है, आजकल पानी इसमें बहुत ही ठंडा होता है क्योंकि पहाड़ों में बहुत ही बर्फ पड़ी है और बादल भी इस वक्त थोड़े से निकले हैं पहाड़ों पर। लेबर का काम तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ मशीन ही कर सकती है ना। इसी शॉर्टकट रास्ते से मैंने जाना है ऊपर रोड में, मगर स्लिप का बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। फाइनली मैं बजरी बोर्ड में पहुंच चुका हूं, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ब्लैक टॉप आज से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है ग्रिफ वालों ने। यहां पर अभी मैं आपको दिखाता हूं बड़ा अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट। पहले यहां पर क्या हुआ करता था कि हम घास जो है नदी के लिए जो काटते थे, जिसे हम कहते हैं बेट अपनी लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि उसे बैठना पड़ता है, उसका वेट होता है कम से कम 5 से 6 kg, वो उठाकर वो दो 4-4 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता था। लगाया गया है टाइप का स्पैन है, तार स्पैन, उस पर ये घास ला अपर लांखो, यहाँ से ये घास आएगा, यहाँ से ये तार स्पैन जोड़ी गई है, ऐसे करते 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 तो यहाँ पर पेड़ है अखरोट का, इसके साथ तार को बांधा गया। ये बहुत ही दिमाग की बात है, सोचने की बात है, घास आता है फिर यहाँ पर ये स्टोर करते हैं सामने, ये अभी मोमेंट कर रही है, इसका मतलब घास आ रहा है, ये तो देखने वाली चीज़ें हैं। तो इसका कंट्रोल जो है वो हाइट पर है, 2-3 आदमी वहाँ पर बैठे हैं, इसको आस्ता 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 घास को छोड़ रहे हैं नीचे की तरफ, तो अभी बिल्कुल घास आने वाला है। ऊपर से जो बेट नीचे की तरफ जो भेज रहे हैं वो कम से कम 15-20 तक हैं, तो इनका वेट बनता है 5 के हिसाब से बना दिए, 10-15 कम से 75 kg वजन है इनका एक बोझ का। तो पहले हम खुद कमर पर उठा कर लाते थे, अब ये आएगा तार स्पैन के ऊपर से। तो अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ कहाँ पर पहुँचा है घास। डिस्टेंस कम से कम 2.5 किलोमीटर का है। वाओ, और रस्सी को खींच रहे ये वापस, ये पहुंचेंगे ऊपर दूर पहाड़ पर। अभी मैं घुरु क्रॉस करने वाला हूं, बहुत ही मज़ेदार घुरू है ये। ये है बैठने के लिए जगह, यहां पर अभी मैंने बैठना है, तो क्रॉस होना है, सीधा पार चले जाना है। अभी शफर जो यहां पर एक गले मिल रहे हैं आपस में, एक महीने के बाद किसी वक्त भी बर्फ पड़ सकती है, इसलिए इससे पहले यहाँ से जा रहे हैं गर्म इलाके की ओर। बाग गाँव, और इसी गांव में रहता हूँ मैं, तो कितना खूबसूरत है, क्या व्यू है।